तो आज हम लोग सलोन में बनाने वाले हैं आलू के कोफ्ते। हाँ हाँ लियो सर, खुर्शीद भी यहीं आए हुए हैं, तो भैया और का सबका रोज़ा है तो उनके इफ्तार के लिए तो कुछ ना कुछ रोज़ बनाते हैं, बाहर से लाते हैं, तो मुझे लगा कि यार आज मैं बनाती हूँ कुछ। आपको पता ही है मेरे को यार कि ये देखो साथ में कि मेरे को कितने और बाप रे कितने मज़े आते हैं खाना वाना बनाने में, और इसमें ही मज़े आएंगे। यहाँ की गैस थोड़ी बड़ी है, गैस क्या बोलते हैं, अभी मैं मटर छील रही हूँ, ऊपर बैठ के मज़ा आ रहा है। और पहले की याद आ रही है मुझे, जैसे पहले दादी मम्मी ऐसे करती थी बाहर, घर के बाहर जैसे पट्टी होती उस पर बैठ जाती थी और बस वहीं बैठ के वो बातें चीतें करती और बस ये सब्जी वब्जी काटती रहती थी शाम की। और आज मुझे भी ऐसा लग रहा है, धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, हवा में मस्त बैठी हूँ, सब्जी छील रही हूँ, और सलोन का काम तो नीतू ये लोग संभाल रही हैं, मैं तो ऊपर आ गई है बनाने, मस्त मज़े हो रहे हैं मेरे तो। अब्दुल्ला भी अभी और मैं करती करती कुछ इनसे भी सीख जाऊंगी, टेस्ट करके बता। काला आ रहा है संदीप, ये अभी इसके ओवर एक्टिंग है क्योंकि मैं पहले वीडियो नहीं बनाई थी लेकिन पहले इसने मेरे को पता है, मैंने इसको टेस्ट करवाया था, ये बोला कि बहुत अच्छा है। ये गाइस ये देखो मसाला, हमने कोफ्ते का मसाला बनाया, आलू कोफ्ते है ना, ये अभी तैयार है मसाला, बहुत अच्छा बना है। ये पता नहीं भाई क्या क्या डाला क्योंकि ज्यादा ही वो हो गया था, पता ही नहीं गैस जो कितनी बड़ी है, इतना वैसे हो जाता है मेरे को तो करेंगी शानदार बना दे वो। अब इसको धोते चल, हमने पूरी तैयारी कर ली है ये आलू के कोफ्ते के लिए, ब्रेड पकौड़े के लिए और मिर्ची बड़े के लिए, एक ही में सब कुछ। और ये ना ये देखो फ्रेंच फ्राइज का इन्होंने क्लाइंट के लिए लगा के और भूल गए, और अभी ये तो मैं खा रही हूँ, ये कुरकुरे बन गए और अभी क्लाइंट के लिए दूसरे बना रहे हैं। चीजें पैक करके ले आए हैं नीचे, आप सारे भैया और आ जाए फिर बताएंगे खा के कैसा बनाइए। एक तो आ गए जफर भी, कैसे बने आज ये सच्ची में अब्दुल्ला भी, ये तो खाए नहीं यार एक नंबर यार, एक ये तो झूठ अंदर सच में बोल रहा हूँ, मैं ना बुराई करने में टाइम लगा था लेकिन आज मेरा बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडा हो जाएगा पूरे मिनट अंदर। 10 मिनट भी आपने बताया यार कैसा बना है, ज्यादा हो गया हलवाई फेल हो गया।